पटना से एक युवक अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए कटिहार पहुंचा। एसपी को आवेदन देकर पत्नी को ढूंढने का लगाया गुहार। पटना के रहने वाले विशाल कुमार को 2021 में मुस्कान कुमारी से प्रेम हो गया। प्रेम परवान चढ़ रहा और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। इसी दौरान 2022 जनवरी में दोनों घर से भागकर गुजरात पहुंच गए, जहां युवक नौकरी पकड़ लिया और वहीं किराए के मकान में दोनों हंसी खुशी रहने लगे। 5 महीने तक दोनों एक दूसरे के साथ ही रह रहे थे। इस दौरान मुस्कान को किसी प्रकार की बीमारी थी, जिसे इलाज के लिए विशाल डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन करना होगा। इस दौरान मुस्कान ने अपने पति को कहा कि उन्हें वह घर भेज दे, वो वहाँ अपने बुआ के पास रहकर अपना इलाज कराएंगी। पत्नी की बात सुनकर युवक ने उसे गुजरात से पटना वापस भेज दिया। पटना पहुंचने के बाद 3 मई तक युवक की बातचीत अपनी पत्नी से होती रही। इसके पश्चात युवक की पत्नी का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। इस दौरान युवक ने अपने दोस्त और पत्नी की बुआ से भी बात किया, लेकिन उसका पता नहीं। बाद में युवक गुजरात से पटना पहुंचा, जहां काफ़ी छानबीन करने के बाद उन्हें पता चला कि कटिहार के पवई के रहने वाले अब्दुल राजा के साथ उनके घर पहुँच गए। जानकारी मिलने के बाद 3 दिन पूर्व युवक कटिहार पहुँचा और पत्नी को ढूंढने पवई पहुँचा, लेकिन उन्हें उनकी पत्नी वहाँ भी नहीं मिली। बाद में युवक ने एसपी जितेंद्र कुमार को आवेदन देकर अपनी समस्या बताई, जहां युवक की बात सुनकर एसपी के द्वारा उनकी पत्नी को ढूंढने को लेकर आश्वासन दिया गया है। मामला हमारी बीवी का है, हम नाम उसका मुस्कान कुमारी हुआ, उससे हम पटना का है, हम भी पटना से हैं, हम कटिहार आए हुए हैं एसपी को आवेदन देने के लिए। क्या क्यों, क्या वजह? वजह यही है कि एक लड़का हमारी बीवी को लेकर के चला आया बाला फुसला कर। क्या नाम है? लड़का का नाम अब्दुल राजा हुआ, पवई में रहता हूँ। शादी कब हुई? शादी हम मेरी जनवरी में हुई थी। आप लव मैरिज किए? हाँ, लव मैरिज किए थे। कैसे लड़की से मिले, कहाँ लव हो गया? लव हुआ हमको अनिसाबाद में। अच्छा, कैसे लव हुआ, क्या कहाँ मिले? वहाँ पे क्लास करने हम जाते थे, क्लास करने जाते थे, उसी बीच हमको वो लड़की मिली, लड़की मिली तो नंबर एक्सचेंज हुआ। नंबर एक्सचेंज होने के बाद उसके घर आना जाना लग गया, वो अपने भाई से मिलवाई तो घर आना जाना हो गया। तो वो लड़की बोली अपने, हम बोल वो लड़की बोली कि हम शादी करें, तो हम बोले कि अपने घर वाले से बात करो। तो उसने बोला तो उसके घर वाला बोला कि रुक जा, बोला कि रुक जा, तो वो लड़की का बर्दाश्त नहीं लिया, वो बोला फिर हमको कि चलो बाहर। हम उसको बाहर लेके चले गए, गुजरात चले गए। शादी किए थे बड़ोदरा में, पावागढ़ मंदिर में, मंदिर में 5 महीना रहे, 2 बार गर्भवती भी हुई वो मेरे साथ। उसी बीच उसको पाइल्स हो गया, पाइल्स होने के बाद उसको हम पटना भेजे, वो बोली कि फुआ के यहाँ ऑपरेशन कराएंगे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, अर्जेंट है। कब से लापता हुआ? तो बीवी 3 तारीख से लापता है। कैसे पता चला कि यहाँ पे आया? वहाँ से जब उसका फ़ोन बंद आने लगा तब हमको पता चला कि वहाँ से, तुरंत हम आए, घबरा गए, तुरंत वहाँ से आए तो फ़ोन हमको मिला हमारी बीवी वाला, तो उसमें फ़ोटो वोटो देखा तो पता चला कि वो कटिहार में है। तो वो बात हुई इस बार कटिहार आने की? हाँ, बात हुई तो वो लड़की हमको फ़ोन करके बोले कि मजबूरी में हम फंसे हुए यहाँ। अब वो लड़का नंबर, जो नंबर से लड़की फ़ोन करती है वो लड़का नंबर ही बंद कर दे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटना का। लड़की कहाँ की? पटना का ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे यही चाहते हैं कि लड़की रहना चाहती है तो उसके पास रहे, ठीक है। वो बार बार फ़ोन करती है, बुलाती है हमको, तो आए हैं, एसपी को आवेदन भी दिए हैं। बोले अगर लड़की रहना चाहेंगे तो आप रखेंगे उसको? हाँ। अगर वो नहीं रहना चाहेंगे तो? नहीं रहना चाहेगी तो अपने माँ बाप के पास जाएगी। अच्छा। हम उसको पैसा देंगे, खर्चा देंगे। मेरे माँ बाप? हाँ, यही मांग। हाँ, मुश्किल के पास नहीं। कटिहार से संवाददाता रतन कुमार की रिपोर्ट।